वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स। तो पहला है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार, दीवानी राइट्स प्रदान किए थे? तो वो था शाह आलम द्वितीय। शिवाजी ने किस वर्ष किसकी छत्रपति की उपाधि धारण की? 1674 में। 74 छत्रपति, ऐसा आप याद कर सकते हो, शिवाजी ने धारण की थी उपाधि। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो वो है तलवंडी, सभी को पता है। नेक्स्ट है हमारा ITUA भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1926 में। मध्य प्रदेश मतलब एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार ने कहाँ पर देश का प्रथम हीरा संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया? ये लिया है खजुराहो में। मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र होने चाहिए, लगभग कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो वो होना चाहिए 33%। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे उद्भूत हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल से। किससे उत्पन्न या उद्भूत कह सकते हैं? तो वो क्योटो प्रोटोकॉल से हुई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अपराध निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? तो वो होगी मृत्यु दंड। अब जाहिर सी बात है, मरने से ज़्यादा और ख़तरनाक और क्या होगा। तो नेक्स्ट है और लास्ट भी, मानव के श्वेत रक्त कणों मतलब कि WBC का व्यास मीन्स डाया लगभग कितना होता है? तो ये होता है 0.007 भी कह सकते हो आप, मिलीमीटर लगभग। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।